वाला है कि यह गुनिया से जमीन कैसे नापी करे और यह गुनिया क्या है, यह दो टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आप जो यह जो देख रहे हैं गुनिया, यह गुनिया के नाम है, इसको कड़ी गुनिया बोलते हैं। गुनिया बहुत प्रकार के होता है, जैसे फीट गुनिया, कड़ी गुनिया, मीटर गुनिया, वगैरह वगैरह होते रहता है। तो यह जो आज मेरे पास है यह कड़ी गुनिया है। यह कड़ी गुनिया से जमीन को कैसे नापी करें, ये जो नक्शा है ये नक्शा पर कैसे नापी करें। तो देखिए, इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जो ये गुनिया है, ये गुनिया के पीछे कुछ कुछ कारण है। जैसे कि यहाँ जीरो है बीच में और इधर उधर दो पर दो और चार पर चार है। ये जो गुनिया है, गुनिया की लंबाई की बात की जाए तो गुनिया की लंबाई है 2 इंच और चौड़ाई की बात की जाए तो 1/2 इंच। और जो बीच में जीरो है, बीच में जीरो और दाई और बाई दो पर दो एवं चार पर चार है, यह गुनिया की शुद्धता बतलाता है। यह 25x50 गुनिया है। यह गुनिया जो है, ये जो इधर के भाग आप देख रहे हैं, इधर के भाग 20-20 कड़ी के अंतराल पर एक एक रेखा खींचा हुआ है और 100-100 कड़ी के अंतराल पर एक बड़ा बड़ा रेखा खींचा हुआ है। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 कड़ी, यहाँ से लेकर यहाँ 200 कड़ी, यहाँ से लेकर 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9, 10, यानी कि एक गुनिया से 10 जरीब तक की आप नापी कर सकते हैं। या तो आपको साधारण सी भाषा में बता दे रहे हैं, जैसे कि जो है, मान लीजिए कि आपको तो समझ में आएगा कि 20-20 कड़ी के अंतराल पर एक एक रेखा खींचा हुआ है, और इधर की बात की जाए तो इधर 10-10 कड़ी के अंतराल पर एक एक रेखा खींचा हुआ है और 50 कड़ी के बाद एक छोड़ मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा खींचा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ 50 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है। 50-50 पर एक बड़ा बड़ा रेखा खींचा हुआ है और फिर 100-100 पर भी 50 से कुछ बड़ा बड़ा रेखा खींचा हुआ है। तो इसको हमको जहाँ से लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, एकदम साफ सुथरा भाषा में समझिए, इधर के भाग है 20 कड़ी के अंतराल पर एक रेखा खींचा हुआ है और इधर की बात की जाए तो इधर 10-10 कड़ी के अंतराल पर एक एक रेखा खींचा हुआ है। हाँ, और जैसे कि इसको हम लोग अब नक्शा पर नापी करके बताएंगे आपको। जैसे कि यह प्लॉट नंबर 183, जो 183 प्लॉट नंबर देख रहे हैं, आज इसका हम लोग पैमाइश करने वाले, इसका लंबाई चौड़ाई देखने वाला है कि यह गुनिया से इसका लंबाई और चौड़ाई कितना है। अगर आप ज़मीन पर जाइएगा, इसको यहाँ से नाप के देखिएगा कि इतना लंबाई इतना चौड़ाई है, तो जब ज़मीन पर नापी कीजिएगा तो उतना ही आपको ज़मीन पर भी मिलेगा। अगर कोई रेत काट दिया है, 1-2 बीता या 4 बीता, 10 बीता जो भी है, तो उसको मिलाने के लिए आपको एक कोना से लेकर इधर ठोकना पड़ेगा, इधर से लेकर यहाँ ठोकना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, भी उस पर बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम अभी बात करेंगे सिर्फ यहाँ की लंबाई और चौड़ाई कैसे लें। तो चलिए, यहाँ हम दूरी देख रहे हैं कि जो ये जो रेखा है, ये जो रेखा आप देख पा रहे हैं, ये रेखा इस रेखा पर टच आना चाहिए, मतलब दोनों पर सेम बैठना चाहिए, ना कि इधर उधर भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ये जो है, ये देखिए अभी बैठा हुआ है, अभी एकदम बढ़िया से बैठ गया, यहाँ बैठ गया, देख सकते हैं यहाँ बैठ गया। और अब गिनिए कई रेखा क्रॉस किया है, कई रेखा के बाद फिर लाइन पड़ा है। तो देख सकते हैं 5, 5, 10, 11, 12, यानी कि 12 × 20 कर दीजिए, कि 20 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक भाग 20-20 कड़ी के अंतराल पर है, तो 12 भाग अंदर है, 12वां के बाद फिर नहीं क्रॉस कर रहा है, तो 12 × 20 करेंगे तो हमारा आ गया 2 जरीब 40 कड़ी, मतलब 240 कड़ी। तो 1 जरीब बराबर 100 कड़ी होता है, तो इसलिए हम 240 कड़ी बोल दिए। और दूसरी भाषा में आपको ये भी बताए थे कि 1 जरीब पर एक बड़ा रेखा खींचा हुआ होता है, तो 1 जरीब पर देखिए एक बड़ा रेखा खींचा हुआ है और 2 रेखा को क्रॉस किया है, बड़ा बड़ा रेखा 2 क्रॉस किया है, यानी कि 2 जरीब इधर क्रॉस कर ही दिया। और उसके बाद फिर हम आपको बता है कि उसके बाद फिर एक एक रेखा 20-20 कड़ी के अंतराल पर है, तो देखिए यहाँ 2 रेखा खींचा हुआ है, मतलब 2 रेखा पर क्रॉस जाके मतलब बैठ गया है, यानी कि इसका लंबाई की बात की जाए तो इसका लंबाई 2 जरीब 40 कड़ी है। ऐसे देख सकते हैं, हम यहाँ की लंबाई देखें, आप यहाँ की भी लंबाई देख सकते हैं, यहाँ की लंबाई कुछ और आया क्योंकि यहाँ कुछ फैला हुआ है। यहाँ लंबाई देखिए कितना है, 10, 11, 12, 13 और 14 के बीच में है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि इसको 2 जरीब 70 कड़ी बोलेंगे, 13 × 20 कीजिएगा तो 2 जरीब 70 कड़ी आएगा, तो इतना हुआ। ऐसे ऐसे इसका दूरी देखा जाता है। तो और अब इधर की दूरी देख लेते हैं, यहाँ के जो दूरी है, यहाँ और यहाँ, इसको बैठने दीजिए बढ़िया से, चलिए बैठ गया। अब यहाँ गिनिए इसको, कै जरीब
क्रॉस किया है, 1 2 3 तीन जरिब क्रॉस किया है, और ये 20 पर थोड़ा सा, 20 में थोड़ा सा कम है, तो इसको 5 कम करेंगे, यानी कि 1 2 3 तीन जरिब 15 कड़ी पर यह बैठा है, ऐसे इसको 20 भी बोल देंगे। अभी देखिए शायद नहीं 15 ही बोलेंगे, क्योंकि 15 ही पर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से होता है, अगर इस इधर से कीजिएगा तो इधर से भी वही आएगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ देखिए कितना पर क्रॉस किया है, 1 2 जरी वैसे हो गया 40, लोग कुछ ज़्यादा है यहाँ, तो हम उसमें यहाँ किए थे, अभी यहाँ कीजिएगा तो कुछ और आएगा, यहाँ कीजिएगा तो कुछ और आएगा। तो जहाँ भी करते हैं आप इस रेखा को, इस रेखा पर टच कीजिए, मतलब उसको बैठना चाहिए बढ़िया, उसके बाद फिर गिन लीजिए जय रेखा है। अगर इधर के भाग से करते हैं तो 10 से गुणा कीजिए, अगर इधर से करते हैं तो 20 से गुणा कीजिए, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से लोग जमीन नापी करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा अब।